नमस्कार। गुरुकुल में कन्या शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या सिखाया जाता है, ये प्रश्न अधिकतर कन्याओं के माता पिता का रहता है जो इधर कन्याओं को प्रवेश दिलाने के इच्छुक होते हैं। तो उसमें हमने पहले व्यवहारिक बातें बताई कि दो बातें कन्याओं को नहीं, सबको सीखनी आवश्यक है, लेकिन कन्याओं को अनिवार्य रूप से वो सीखनी चाहिए। दूसरे महत्वपूर्ण विषय हैं कन्याओं के लिए, वो हैं स्त्रियों के जो साहजिक गुण हैं उसका विकास होना। आज की शिक्षा दोनों की, स्त्री पुरुष दोनों की समान होने के कारण ये साइड इफेक्ट हुई है कि कन्याओं को हमारी बेटी बेटे के समान ही है, ये कहते हुए उसको सब ऐसी शिक्षा दी जाती है जो बेटों को दी जाए और कन्याओं को देना गौण माना जाए। लेकिन इसका विपरीत परिणाम ये आता है कि वो एक तरह से स्त्री के शरीर में पुरुष का आत्मा बैठ गया, इस प्रकार का उसका व्यवहार हो जाता है। वो जब बड़ी होती है तब, वो कन्या जब बड़ी होती है तब उसके विपरीत परिणाम दिखते हैं, उसके पहले नहीं दिखते हैं। तो माता पिता को तो वो अच्छी लगेगी, एक लड़की है जो कमाती धमाती हैं, लाखों की सैलरी रहती हैं, वो किसी की पत्नी बनेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब दाम्पत्य जीवन चलाना पड़े, जब एक माँ की भूमिका में वो आए या एक पत्नी की भूमिका में आए, एक गृहिणी की भूमिका में आए, तो तब अनेक संबंधों के साथ उसके द्वारा अन्याय होता है, अनेक घर टूटते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसको ये नहीं सिखाया गया कि घर कैसे संभालना है, बच्चों को क्या क्या हित शिक्षा देनी है, बच्चों का संगोपन कैसे करना है। तो ये सब बातों को एकदम गौण कर दिया, जैसे ये कुछ मायने ही नहीं रखती है। और ये जब सुनने को मिलता है कि भाई लाख रुपए कमाती हो कोई महिला, तो पाँच दस हज़ार फेंक देगी ना किसी मिडवाइफ आया को रख के, बच्चा वो संभाल लेगी। वो 1 लाख कमाने वाले, 2 लाख 5 लाख कमाने वाले दंपति के लिए, एक बच्चे की परवरिश के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना और उसको 5-10 हज़ार 15,000-20,000 रुपये दे देना, वो थोड़ी बड़ी बात होती है। ऐसा जब सुनने को मिलता है तब बहुत दुख होता है कि जिस संतान को आपने जन्म दिया, चाहे आप लाख रुपए ही कमा लो, 10 लाख कमा लो, लेकिन केवल खिलौने देके या केवल अच्छा खाना खिला के हम माता पिता के कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते हैं, और केवल ये करके हम आदर्श माता पिता नहीं बन जाते हैं। ये शिक्षा आज के सिलेबस में नहीं है। इसीलिए यही सोचा जाता है कि लड़की यदि पढ़ेगी तो कुछ कमाएगी, कमाएगी तो उसके घर के काम फिर कौन करेगा, तो घर के काम के लिए तो लोग मिल जाते हैं। और घर के काम करना और कमाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ऐसा भी बहुत लोगों का भ्रम होता है, मैं इसको भ्रम ही बोलूँगी। बहुत ऐसे व्यवसाय हैं जो करते करते स्त्री बहुत अच्छी तरह से अपना घर संभाल सकती है, बहुत अच्छी तरीके, एक हाउस वाइफ की तरह ही। तो स्त्री के लिए कौन कौन से व्यवसाय उस समय में थे जो आज के समय में होने चाहिए, जिसमें स्त्री के स्वमान की रक्षा हो, स्त्री का कौटुंबिक संबंधों की रक्षा हो, और स्त्री अपने पति और बच्चों को पर्याप्त समय भी दे पाए। ऐसे व्यवसाय आज के समय में भी होने चाहिए। और ऐसी नौकरियां हैं जिसमें स्त्रियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जो स्त्री नौकरी छोड़ती है उसको बोलते हैं कि उसने सेक्रीफाइस किया। मुझे तो दया आती है उस नौकरी करने वाली महिलाओं की जिसने अपने मातृत्व को सेक्रीफाइस किया है, जिसने अपने गृहिणीत्व को सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस तो उन्होंने किया है, नौकरी छोड़ के घर संभाल के अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने वाली माता ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। हम भौतिक सुखों को छोड़ना ही सेक्रीफाइस क्यों बोलते हैं? हम अपने निजी सुखों को प्राप्त करने के लिए कुछ 2-5, 10 हज़ार 50 हज़ार का लॉस नुकसान सहन कर लेते हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं है। और ये सिखाया जाता है गुरुकुल में, सेक्रीफाइस तो वो होता है कि जो आपको दुख दे, जो वस्तु छोड़ के आपको आनंद हो, सेक्रीफाइस कहाँ है? वो तो आपके सुख के खातर आपने छोड़ा। लेकिन ये इसीलिए नौकरी छोड़ के केवल बच्चों की परवरिश करने वाली स्त्री में भी एक इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैंने तो ये सिर्फ सेक्रीफाइस कर दिया, मैं अब वर्किंग वुमन से हाउस वाइफ बन गई, मुझे तो कमाना चाहिए पैसा, क्योंकि क्राइसिस में पैसे काम आते हैं, क्राइसिस में हिम्मत काम आती है, न केवल पैसे। तो ये बुनियादी शिक्षा है जो कन्याओं को सिखानी चाहिए, हर माता पिता के द्वारा, हर गुरु के द्वारा, हर शिक्षक के द्वारा, हर समझदार व्यक्ति के द्वारा, कि कन्या हैं वो पैसे भी कमा सके और घर को भी अच्छे से संभाल पाए। तो
पैसा कमाना कन्या के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मजबूत पुरुष समाज हमें तैयार करना पड़ेगा कि किसी भी घर में स्त्रियों का पैसा कमाना आवश्यक जरूर हो, अनिवार्य ना हो। किसी भी समय स्त्री अपने स्वमान की रक्षा होती ना पाए तो लात मार के वो नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, फिर भी उसके घर में कोई फर्क ना पड़े, उसके घर में कोई फर्क ना पड़े, वो स्त्री के प्रति कोई ऐसी दृष्टि से ना देखे कि उसने कुछ गलत किया है। तो ये बुनियादी शिक्षा जो कन्या शिक्षण के अंतर्गत थी और हमने हमारे बाल्यावस्था में भी देखी है कि घरेलू व्यवसाय करते हुए एक विधवा माता ने अपने संतानों को पाल पोस के बड़ा किया हो, किसी के पापड़ बना के, किसी की रसोई बना के, सीधी सारी जिंदगी जी के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया हो, ऐसे बहुत दृष्टांत उदाहरण हमारी नज़र के सामने आएंगे। तो जीवन जीने के लिए पैसा ही केवल आवश्यक नहीं होता है, उसके साथ संस्कार चाहिए, उसके साथ संजोगों के सामने लड़ने की भरपूर हिम्मत चाहिए, जो एक माँ ही अपने परिवार को दे सकती है, एक स्त्री ही अपने परिवार को इस हिम्मत से बांध सकती है। तो एक ऐसी स्त्री तैयार करने का हम प्रयास करते हैं, एक भविष्य के लिए एक महिला ऐसी तैयार करने का प्रयास इस गुरुकुल में कन्या शिक्षण के द्वारा होता है। तो आगे जो भी विषय होते हैं कन्याओं के लिए ज़रूरी ऐसे, उसके विषय में आगे हम बात को चलाएँगे। नमस्कार।